जी हेलो। सुब्रता विश्वास। हाँ जी, सुनाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल, सनातनी है भाई? ओके। नहीं, सुना तो नहीं हूँ। बड़ी सोच कर बताया, क्या है? मैं उसमें मतलब उसमें उतना बिलीव नहीं है मेरा, ठीक है? तो फिर किसमें? वैसे किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। ओके, तो यानी कोई बिलीव है ही नहीं। बिलीव वैसे नहीं है, तो वैसे लेकिन नाम में विश्वास है और किसी चीज पर भी विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो कल्चरल जो भी होता है ना, वो जी। उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब सब कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानता नहीं हूँ, ठीक है? सब कुछ करते हैं, मानते कुछ नहीं। ठीक, नहीं। सही है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? हाँ, वो तो मानना पड़ेगा, नहीं हाँ, तो तो मेरे को देश से निकाल देगा ना। ये सही था, मानना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें तो बिलीव है भाई। अब इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरा मेरा किसी में बिलीव नहीं है। बिलीव तो है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, जो भलाई के लिए हो उसमें तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा भलाई कुछ के लिए उसको मानना क्वेश्चन था, पड़ेगा। अच्छा, एक बार मेरा कुछ बताओ, क्वेश्चन था। अगर कोई ये कहे कि अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी भलाई के लिए, मानोगे? जब तक कोई ये दिक्कत नहीं होगा तब तक मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का मतलब? दिक्कत का मतलब जो होता है, जो जो ह्यूमैनिटी के लिए जो भलाई होगा तो वो तो भला होगा ना। ह्यूमैनिटी के लिए जो चीज अच्छी होगी आप मान लेंगे। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी के ओके। लिए जो चीज अच्छी होगी डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो आपने डिसाइड किया नहीं। हाँ। नहीं, मेरे को सोचने का कोई तरीका तो होगा ना, ठीक है, मान क्योंकि लो आपने आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो ह्यूमन होता है उसके पास तो ब्रेन होता है, तो थोड़ा मतलब दिमाग तो होता मेरी बात नहीं है समझे ना? आप ये कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने इंडिया का बनाया नहीं, आपने डिफाइन नहीं किया नहीं, उसके किसी आर्टिकल को, आप बस मान रहे हो। ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि ये ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए है, अब ये डिसाइड कैसे कैसे करेंगे आप कि नहीं, ये ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए नहीं है? कैसे डिसाइड करेंगे? उसमें मतलब देखूंगा कि भैया कोई किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि जो हर बंदा के लिए एक ही रहेगा तो वो सही होगा। अगर हर बंदे के हाँ लिए एक ही रहे तो वो सही है, ये नहीं ये मेयार है। ओके, अगर जरा सा भी फर्क हो गया तो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया नहीं, में क्योंकि क्योंकि जो 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 बंदा वो लॉ आपको बनाएगा ना, जो इंडिया बंदा वो लॉ बनाएगा में उसको उसको भी हाँ जो रिजर्वेशन बंदा लॉ दिया जाता बनाएगा उसको उसको भी ऊपर अप्लाई करना चाहिए वो वाला, ठीक है? है, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन के जो खिलाफ है। रिजर्वेशन अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अभी उसका जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा बंदा है, मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बहुत तो सारा अभी बंदा के है लिए जो जो लोग हैं, हायर अभी कास्ट के का, लिए मैं जो जनरल बता कैटेगरी रहा के हूँ। लोग हैं, सुने सुने सुने, जनरल नहीं, अभी के कैटेगरी के लिए, लोग अभी के हैं। लिए इस सिचुएशन पे, क्योंकि बहुत सारा बंदा गरीब है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, बात गरीब की नहीं हो रही है, बात क्लास सिस्टम की हो रही है। गरीबों का क्या मतलब? एक आदमी दलित फैमिली में है और वो बहुत अमीर है, डजंट मैटर, उसके पास पैसा खूब है, तो उसको तो रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास वो है, ओबीसी से आता है वो। आप जनरल कैटेगरी के बहुत गरीब हैं, आपको नहीं मिलेगा। अब बोले सही है? हाँ, उस कैटेगरीज रहना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बंदा है उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो चाइल्ड है तो उनको तो अच्छे से जो पढ़ाई तो नहीं होता, क्योंकि नहीं, दलित को, जो दलित को जो रिच इररिस्पेक्टिव, किड्स होल्ड ऑन, ओबीसी वगैरह को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल है। कंडीशन, मैं बता मैं दो, मैं मोनिटर क्लियरली बता दो, रिस्पेक्टिव। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं क्लियरली बताता हूँ। देखिए, जो रिच किड्स होता है उनके पास पैसा है तो बहुत सारा ट्यूटर रख सकता है, लाइक कोटा में जा सकता मैं ये नहीं है, कह रहा या यार, फिर एक बात मुझे मुझे आप मैं मशवरा ना बता दो। रहा ये हूँ, कह रहे मैं हो कि बता उसको कॉन्स्टिट्यूशन उसको बना भी रहे हो आप, होल्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनली एक बिरादरी को, जात को, एक क्लास को, गरीब की बुनियाद पर नहीं, उसके दलित दलित को दलित होने की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है, जनरल को जनरल होने की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। अब ये गुर्बत उर्बत की बात ना करो उससे, ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है कि नहीं? इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है जिसका जी। नाम है EWS कैटेगरीज, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? वो वो उसी इकोनॉमिकली में वीकर है, सेक्शन को ओबी पहले है, से ना, ओबीसी मैं बताता एसटी हूं, एससी उसका बोल रहे हैं।
उसका बोल रहे हैं उसका भी बता रहा हूँ जो ओबीसी एससी एसटी है ना, देखिए जो ओबीसी एससी एसटी है उनका पास जब उसका फादर का या फिर कोई भी एक मेंबर का गवर्नमेंट नौकरी रहेगा, मैं बता रहा हूँ वो बंदा उस बंदा का जो चाइल्ड होगा वो ले नहीं पाएगा, ठीक है, उस कैटेगरी का फायदा ले नहीं पाएगा क्योंकि उसको उसको मतलब जो अपराइज हुआ है ना वो वाला बंदा रीच हो गया तो उसको नहीं मिलेगा उसका फैसिलिटीज, ठीक है। यानी अगर दलित, अगर किसी दलित ने पढ़ लिया तो उस दलित के बच्चे को पढ़ लिया वो एसिप कर लिया, जो जो एसिप करना था एसिप कर लिया, उसका वाला नहीं मिलेगा उसको। ये किधर से निकाला, कहां से निकाला, मतलब जो अभी 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 भी कानून बनाए गए नहीं, अभी भी कानून बहुत पहले से है, जो मेरा घर में जो बताता हूँ, मेरा घर में बताता हूँ, जो जिस बंदा का फादर गवर्नमेंट नौकरी करेगा, मैं बताता हूँ, चलो ये वाला गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ ना, जिस बंदा का नहीं पता। अब एक और मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को एक और सुनो, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं? हाँ जी है, ठीक। अच्छा, अगर वो कोई जुर्म करे तो उसके ऊपर तो कोई सजा नहीं आती, उसको इम्यूनिटी हासिल है, क्यों? हाँ, प्रेसिडेंट का ऊपर कोई सजा नहीं आती क्योंकि उसका जो पूरा कानून का सिस्टम है ना उनसे वो बाहर है। क्यों, मैं क्यों नहीं और आप क्यों नहीं हो? वैसे ही वो सिस्टम बनाया गया, ठीक है, क्यों बनाया? ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, इक्वालिटी के खिलाफ है ना, उनमें इक्वल नहीं है, वहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, मतलब हर कंट्रीज के लिए वैसे ही होता है। हर कंट्री में अगर ऐसा हो तब भी गलत है ना भाई, सारे सिटीजन बराबर है। गलत तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, वो सिस्टम बनाया हुआ है। एक आदमी अगर पोजीशन पर बैठा है तो कानून से उसको एग्जेम्पशन हो, ये तो गलत बात है। हाँ, वो तो गलत बात है, लेकिन वो तो मतलब राष्ट्र का जो होता है ना, जो हायर एक बंदा है तो उनमें उसको मतलब उनसे वो बाहर है, पूरा कानून का ऊपर है। क्यों बाहर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन वो तो मैं नहीं बनाया, वो जिन्होंने बनाया, जिन लोगों ने बनाया उनके पूछो, उनसे पूछो, नहीं आप मैं तो नहीं बनाया, अभी आपने बोला मैं इसमें बिलीव करता हूँ, तो क्या करें, जब मैं अच्छा ठीक है, मैं जब कानून नहीं बनाऊंगा, कानून तोड़ूंगा, एक मिनट, जब मैं कानून तोड़ूंगा तब पुलिस मुझे लेकर पकड़ के लेके जाएगा, ये है कि जब मैं कानून तोड़ूंगा तब पुलिस तो मुझे नहीं, हिजरत करो, आप हिजरत करो, अफगानिस्तान वहां जाके सेटल हो जाओ, वहां के कानून को मानो, क्या मसला है, क्योंकि आपको लगता है कि इक्वालिटी अच्छे तो वहां पर तो दबाकर इक्वालिटी है जी, तो जो मतलब देश है कहीं पे भी इक्वालिटीज नहीं है, ठीक है, जो जो एक ऊपर का जो बंदा होता है ना उनके लिए आयन कानून के ऊपर है वो हर कंट्रीज में वैसे ही होता है। तो तुम सऊदी देखो, उसमें चलो ठीक हो गया।